नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी है, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। आज दोस्तों सफला एकादशी, साल में टोटल जो 24 एकादशी होती है उसमें से ये एक पौष मास की पहली कृष्ण पक्ष की एकादशी को पौष एकादशी, सफला एकादशी कहा जाता है। पौष मास में होती है जो गजब की दोस्तों ठंडी के बीच में आती है सफला एकादशी। ये एकादशी वो है जो आपको हर काम में सफलता ही सफलता दिला देती है। जब हमारे काम में विघ्न आते हैं, हम हमेशा विघ्न हरण मंगल शरण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए। आज हम इस श्लोक को बोलते हैं, भगवान गणपति को याद करते हैं, उसके बाद में अपने काम की शुरुआत करते हैं। और जो लोग सफला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सफला एकादशी का आप व्रत करें। आज के दिन भगवान को लौंग इलायची अर्पित करें, नारियल अर्पित करें, आज के दिन भगवान को आंवले अर्पित करें। आप देखेंगे आपके ऊपर भगवान विष्णु की सदैव कृपा बनी रहेगी। आज जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो सीजन के कम 5 प्रकार के फल आप भगवान को अर्पित करें। कोशिश करें आप पीले या फिर सफेद कलर के कपड़े पहने। पीले कलर के कपड़े के ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की स्थापना करें चावल के ऊपर। केसर का उन्हें तिलक अर्पित करें, माता लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक अर्पित करें। घी और तेल किया, एक घी का दिया एक तेल का दिया जलाएं। जिस तरह भगवान विष्णु को आप विराजमान करते हैं, राइट साइड में घी का दिया जलाना है और लेफ्ट साइड में आपको माता लक्ष्मी का तेल का दिया जलाना है। आज के दिन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ओम नमो अच्युताय नमो नमो मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति की प्रत्येक इच्छा पूरी होती है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आज के दिन दान पुण्य करें। जहां पर भी गरीब वर्ग के लोग हैं वहां जाकर के